गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज इस वीडियो में मैं क्लास एट्थ के जो कि है थर्ड चैप्टर अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल है उसका क्वेश्चन थ्री एक्सप्लेन करूंगा। क्वेश्चन है व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। एक हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है, कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल होता है फोर साइड क्लोज फिगर, उसके जो सारे अंदर के एंगल होते हैं उनका सम हमें प्रूव करना है कितना होता है, ठीक है। और ये कह रहे हैं सम ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, तो हमें प्रूव करना है वो कितना होगा, ठीक है। विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कन्वेक्स। अगर कह रहे हैं अगर क्वाड्रिलेटरल नॉन कन्वेक्स है तो ये प्रॉपर्टी इसमें होल्ड करेगी नहीं करेगी, तो प्रॉपर्टी हमें इसमें प्रूव करनी है जो कि हमने पढ़ी हुई है क्वाड्रिलेटरल की, ठीक है। तो मैंने एक डायग्राम बनाया, फोर साइड क्लोज फिगर क्वाड्रिलेटरल बनाया, मैंने इसको नेम दिया ए बी सी डी, उसको मैंने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। क्यों? क्योंकि मुझे एक ट्रायंगल की प्रॉपर्टी याद है जो मैंने पढ़ रखी है, ठीक है। तो ये ट्रायंगल वन हो गया, ये ट्रायंगल टू हो गया, ये एंगल वन, एंगल टू, एंगल थ्री, एंगल फोर मैंने लेबल कर दिया इसको, ठीक है, आपकी हेल्प के लिए। अब मैंने पहला ट्रायंगल लिया, ट्रायंगल ए सॉरी डी बी सी, ट्रायंगल डी बी सी ऊपर वाला ट्रायंगल मैंने लिया, उसमें एंगल फोर, एंगल फोर प्लस एंगल टू प्लस एंगल सी, यहाँ लिखा एंगल फोर, एंगल वन एंड एंगल सी, इसका इसका और इसका सम कितना होता है 180 होता है, क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ा है ऑल एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है कि उसके सारे एंगल्स का सम कितना होता है 180 होता है, तो इसको वन इक्वेशन नेम दे दिया। उसके बाद मैंने ट्रायंगल लिया है ए बी डी, नीचे वाला ट्रायंगल लिया है ए बी डी, ये वाला ट्रायंगल मैंने लिया है। अब इसके भी सारे एंगल का सम 180 होगा, तो एंगल थ्री, एंगल टू एंड एंगल ए इक्वल टू 180, ऑल एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, इसको इक्वेशन टू दे दिया। उसके बाद मैंने इन दोनों इक्वेशन को ऐड करा, एडिंग इक्वेशन वन एंड टू। तो जब मैं ऐड करूँगा ये और ये तीन एंगल ए और ये तीन एंगल सारे एक साइड पर जाएंगे, जैसे मैंने कॉपी करें एंगल फोर, एंगल वन, एंगल सी, एंगल फोर, एंगल वन, एंगल सी, एंगल थ्री, एंगल टू, एंगल ए, एंगल थ्री, एंगल टू, एंगल ए, एक साइड पे आ गए, अब इक्वल टू साइन आ जाएगा, 180 और 180 प्लस हो जाएंगे, ठीक है, 180 180 360 हो गया। अब इसमें मैं देखूंगा, क्योंकि हमारे पास ये जो एंगल बनेगा इन दो सम के साथ बनेगा, ठीक है। पहला हमारा एंगल है, एंगल यहाँ पर है, एंगल थ्री और एंगल फोर को अगर मिला दूँ तो एंगल बी बन जा रहा है, तो मैं देखता हूँ यहाँ पर एंगल फोर और एंगल थ्री, इन दोनों को मैंने ज्वाइन करके मैंने एक बना दिया एंगल बी। ऐसे ही मैंने एंगल टू और एंगल वन को ज्वाइन करके एंगल डी बना दिया, तो एंगल वन और एंगल टू इन दोनों को मैंने ज्वाइन करके एंगल डी बना दिया, और एंगल सी हमारा ऑलरेडी है और एंगल डी हमारा ऑलरेडी है, तो ये किसके बराबर हो गया 360 के बराबर। सो एंगल बी, एंगल डी, एंगल सी और एंगल ए, इन सबका सम कितना हो गया, सारे चारों एंगल का सम कितना हो गया 360 हो गया। ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी है, क्वाड्रिलेटरल की ये प्रॉपर्टी है सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360, तो ये हमारा हैंस प्रूव हो गया। और सेकंड पार्ट का आंसर भी है यस, कि अगर ये नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल होगा तब भी ये इस प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो, आप पूछ सकते हैं कमेंट्स करके। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर सकते हैं आप। चैनल को सब्सक्राइब करना हो तो आपको लास्ट में एक सर्कुलर रिंग मिलेगा, उस पर क्लिक करके आपको सब्सक्राइब करने का बटन मिल जाएगा, आप उसे क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के लास्ट में एक रेक्टेंगल बॉक्स आता है लेफ्ट साइड में, जिसमें कि नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, आप क्लिक करके उसको नेक्स्ट क्वेश्चन दे सकते हैं जिसमें कि नेक्स्ट वीडियो होगी। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, टेक केयर एवरीवन।